ने अपने बजट में अफगानिस्तान की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। भारत ने साल 2022 के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान अफगानिस्तान के लिए रखा। इस तरह की खबर के बीच अफगानिस्तान में सत्ता पर मौजूद तालिबान ने भारत को लेकर लगातार सकारात्मक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर दो टूक संदेश दिया। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि वो भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। एक देश के अनुरोध पर दूसरे देश के साथ वो अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। इसके साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। इससे पहले पाकिस्तानी एनएसए ने अफगानिस्तान यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान में टीटीपी को बढ़ावा देने के लिए भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। उन्होंने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं बनाएगा। वही पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये रहती है कि वो कैसे भी अफगानिस्तान से भारत की मौजूदगी को खत्म कर सके, लेकिन भारत का अफगानिस्तानी लोगों के प्रति रुझान खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि अफगानिस्तान के लोगों को गेहूं न जाए इसके लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भारत के सामने फिर से वो फेल हो गया था। भारत मानवीय सहायता अफगानिस्तान के लोगों को भेज रहा है। भारत का गेहूं फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के लिए रवाना होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उसके रास्ते भारत अफगानिस्तान को गेहूं और दूसरे सामग्री भेजे। इसके लिए पाकिस्तान की ओर से कई महीने की टालम टोल के बाद आखिरकार भारतीय गेहूं को अफगानिस्तान जाने की अनुमति मिली। यह अपने आप में दुर्लभ मौका होगा जब भारत से सीधे गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाएगा। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। डुरंड लाइन को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन खराब होते चले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।